भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। 100 के हमारे पंडित जी महेंद्र कुमार जी व्रत करवा चौथ के बारे में कुछ जानकारियां दे रहे हैं, जिससे इसकी स्वागन व्रत लेने वाली औरतों के लिए एक फायदेमंद है। तो महेंद्र जी आप बताएं, इस बार स्वागन औरतें जो है करवा चौथ का जो व्रत ले रही हैं, उसका मोक्ष या उद्यापन कर सकती हैं, इस बारे में आप कुछ कहेंगे प्लीज। जी हाँ, इस बार जो करवा चतुर्थी का व्रत है उसका सुहागिन जो है वो मोक्ष या उद्यापन जो वो कर सकती है, क्योंकि इस बार जो करवा चतुर्थी है उसमें ना मलवासा है, ना सुप्रस्त है, ना जीवस्त है, इसलिए इस बार का जो मोक्ष उद्यापन है करवा चतुर्थी का वो बहुत अच्छा और बेहद शुभ है, इसलिए ही इस करवा चतुर्थी का जो व्रत है वो उद्यापन या मोक्ष कर सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी कभी हमारे चंबा में जोड़े का भी विधान है कि भाई 2 साल है या 1 साल है, दूसरा साल चल रहा है, कभी जोड़े में भी कभी वो है व्रत का उद्यापन नहीं करती है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार जो करवा चतुर्थी का व्रत है वो शुभ मुहूर्त में आया है, इसलिए चंबा में जितनी भी हमारे स्वागिन औरतें माताएं बहनें जो भी हैं वो करवा चतुर्थी का मोक्ष उद्यापन जो कर सकती है। धन्यवाद, जय हिंद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।